भारत में राफेल लड़ाकू विमान आने के बाद भारतीय सेना की सैन्य शक्ति और बढ़ गई है। राफेल के दो स्क्वाड्रन का आना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। पाकिस्तान को ये लगने लगा है कि वो रेस में कहीं पीछे ना रह जाए और इसीलिए मदद मांगने के लिए उसने चीन का दरवाजा खटखटाया है। पाकिस्तान ने चाइना से 30 J-10CE फाइटर जेट की डिमांड की है और साथ ही अपने एयरफोर्स के लिए एडवांस एयर टू एयर मिसाइलों को देने की भी डिमांड रखी है। पाकिस्तान ने इससे पहले 2009 में J-10 के लिए कहा था, लेकिन चीन और पाकिस्तान द्वारा JF-17 का संयुक्त उत्पादन किया गया था, जिसकी वजह से J-10 का काम ठंडे बस्ते में चला गया। अब राफेल के आने के बाद चीन और पाकिस्तान के बीच चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है, ऐसा उच्च स्तरीय सरकारी सूत्रों ने बताया। J-10CE के साथ पाकिस्तान ने क्रमशः PL-10 और PL-15 छोटी दूरी की और लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें मांगी है। भारत और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों की वजह से चाइना ही वो देश है जो पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई कर सकता है। दरअसल J-10CE J-10 का अपडेटेड वर्जन है और इसे AESA रडार, फायर कंट्रोल सिस्टम और इंफ्रारेड तकनीक से लैस कर दिया गया है। पाकिस्तानी वायुसेना को सिर्फ राफेल से ही खतरा नहीं है, जो मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल और मीका मिसाइल के साथ आता है, जो हवा में लॉन्च भी किया जा सकता है। PAF सेनानियों के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से उसे ज्यादा खतरा होगा। PAF अपने 124 JF-17 फाइटर जेट पर निर्भर है। चीन के साथ बनाए हुए 700 DDF-16 और मिराज 3A शामिल हैं। अगर उसे J-10CE मिसाइलों का साथ भी मिल जाए तो भारतीय वायुसेना के लिए ये एक और बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। लेकिन एक बात तो तय है कि राफेल का भारत में आना चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए खतरा है, और उस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।